एसएसपी डॉक्टर विपिन ताजा ने राजघाट पर महिला विश्राम कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान एसएसपी ने थाने को सहयोग देने वाले व्यापारियों व समाज सेवियों को माल्यार्पण व सील देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताजा ने बताया कि राजघाट थाने पर महिला विश्राम कक्ष का उद्घाटन किया गया है, जिसमें महिला आगंतुक के विश्राम के लिए यह कक्ष तैयार किया गया है, जिससे कि महिलाओं के साथ में जो बच्चे आते हैं उनको शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध हो। यह कार्य शासन के निर्देश पर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जो समाज के निर्बल लोगों के लिए यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता बरतते हुए और भी विश्राम कक्ष जनपद के थानों में बनवाए जाएंगे, जिनका निर्माण कार्य चालू है, जो कि गांव से आने वाले लोग, महिलाएं, आगंतुक विश्राम कर सके और निसंकोच होकर अपनी बात कह सके। इस अवसर पर सीओ कोतवाली विमल कुमार सिंह, राजघाट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, टीपी नगर चौकी प्रभारी अनुप कुमार तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, आज हम पहला महिला विश्राम कक्ष हम लोग के लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। साजिदा मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। महिलाओं के लिए आप लोग इतना सोच रहे हैं और इतनी कार्य में चीज है आप। माया काशी कांचीयां गंगा दिव्य जमुना दिव्य शिकायत करता है वो बैठना, वो छोटा बच्चा है, इसमें जो है एक दो एक छोटा पालना भी ठीक है बच्चों के लिए। विकास में है सूत्र Thank you.
ऊपर से है सर, ऊपर से पानी बाहर से आता है, उसको काफी कम हुआ है सर। ये क्या लगवाया इस पे? उसके पुट्टी यही सब मुझे बड़ा खुश थे सर। नहीं नहीं बढ़िया था यार, वीडियो देख लिया था सर, तो दूसरों को भेजा था मैंने, ऐसा करवा दो। ये क्या है, पुट्टी है? रंग पुट्टी भी है, रंग भी है, पानी भी है, कई आइटम है, यही सब। तो यहाँ बदल गया ना, दिल का था तो जो कि 25,000 इनाम दे दिए। कितने लोग हैं सीसी लेने में आप लोग? चार लगे हैं, चारों इसी जिनकी प्रेम और स्नेह से इस थाने को ये स्वरूप मिला। चुनाव में अपने अनुभव से हम लोग विधानसभा चुनाव सामान्य गोरखपुर में चुनौती पूर्ण था, पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के साथ चुनाव को सफल संपन्न कराने में महिला सशक्तिकरण चल रहा है। पूरे एक माह का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है। आपने एप्रिसिएशन का एक सराहनीय कार्य करता है डॉक्टर विपुल सर ने, जो सपना देखा महिलाओं के बारे में सोचा, उस चीज़ को होते हुए देखते हैं तो जो एक अच्छी फीलिंग आती है वो आज मैं मेरे पूरी टीम को यहाँ आकर के मिला, बिलीवेबल फीलिंग आई है कि क्या सर, रणवीर सर, मतलब पूरा परसेप्शन जो पुलिस और या महिला पुलिस के प्रति भी फील करा गया कि पुलिस हमारे साथ है, हमारी अपनी है। अपने बच्चों को सर के बारे में बताया, उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि हम यहाँ के वरिष्ठ व्यापारी से लगातार जो मेरा ऑफिस है इन्होंने गोद लिया था। हमारा मंदिर है, आपने ही आगे बढ़ाया था कि सर मेरे द्वारा क्या कार्य है, मैं क्या करा दूं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके द्वारा उसको पूर्ण कराया जाता है और सर के निर्देशन में, सर के नेतृत्व में। महेश पुद्दार जी आप आ जाएं। ये सभी लोगों का उत्साहवर्धन सर के द्वारा एक साथ किया जा रहा है। जब कोतवाली में हो तो जैसा कोतवाल कहे वैसा करते रहे, इसी में सुरक्षा रहे। बड़ा मुझे सिरा नहीं मिल रहा कहाँ से शुरू करें, क्योंकि राजघाट थाने से मेरा काफ़ी, अब तो काफ़ी जान पहचान हो गई है, कई लोगों से मुलाकात हुई, कई जुलूस साथ में निकाले हमने, कई मुसीबतें साथ में डाली हैं और कई हमारे यादगार पल बन गए अब साथ में। बड़ा खुशी का मौका है आज, इंस्पेक्टर साहब ने, इंस्पेक्टर नील मिश्रा जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया, एक महिला विश्राम कक्ष का यहाँ निर्माण करवाया जन सहयोग से, हमारे व्यापारियों के सहयोग से, और उसका उद्घाटन है। पुलिस टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और सबसे अच्छा कार्य किया यहाँ पर मौजूद हमारे व्यापारी गणों ने, हमारे संभ्रांत नागरिकों ने, हमारी जो नारी शक्ति है यहाँ जो मौजूद थी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और आप सभी अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। देखिए सरकार, लोग कहते हैं सरकार 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 किसकी है, सरकार आपकी है। आप जो चाहें वो अच्छा हो सकता है, आप जो चाहें बुरा हो सकता है। यहाँ कोई सरकार ने, किसी ने बाहर से आकर कोई योगदान नहीं किया, बल्कि यहाँ पर पुलिस के लोगों ने नागरिकों के साथ मिलकर, हमारे जो व्यवसायी हैं उनके साथ मिलकर ये बीड़ा उठाया और आज आप देखिए क्या से क्या कायाकल्प हो गया इस थाने का, और ये सभी के लिए प्रेरणा की बात है। मैं खुद इससे प्रेरणा लेता हूँ।
आज से करीबन 3 महीना पहले मैंने सभी थाना प्रभारियों को मीटिंग में हमारे डीआईजी महोदय ने ये मंशा जाहिर की थी कि भाई थानों में सुधार किया जाए, और मेरी भी इच्छा थी क्योंकि चुनाव में बाहर से लोग आते हैं, फोर्स आते हैं, बाहर से अधिकारी आते हैं, कर्नाटक से आए, तमिलनाडु से आए, बंगाल से आए, गुजरात से आए, सभी बाहर के अधिकारी आए और उनके मन में एक यूपी पुलिस की एक छवि थी, एक यूपी की छवि थी, गोरखपुर की छवि थी, उनके मन में ऐसा था गोरखपुर ऐसा होगा, पुलिस ऐसी होगी, लोग ऐसे होंगे, मतलब कत्लेआम हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा वो बताए जब पहले दिन आए थे, बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे। तो हमने बड़ा आश्वस्त किया, मैंने कहा सर आप घूमे यहाँ पर, आप एक बार देखें, आप चुनाव में रुके 1 महीना, और जब वो चुनाव पूरा हुआ जिस दिन और पेटी बंद हुई और ईवीएम दाखिल हुई, वो मुरीद हो गए गोरखपुर के। पूरे चुनाव में हमारे नागरिकों ने एक विवाद नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं, इतना बड़ा त्यौहार, इतनी 20 लाख की आबादी, 16 लाख वोटर जिन्होंने वोट डाले, 55 लाख की आबादी का शहर है और कहीं कोई विवाद नहीं, ये अपने आप में एक मिसाल है, ये मिसाल की बात है। और ये जो आपने तैयारियां करवाई है, कई बाहर के जो अधिकारी आए थे इन थानों को देख कर गए, हमारी व्यवस्था को देख कर गए, हमारी यूपी 112 की गाड़ियां देखी उन्होंने, पुलिस की हमारी जो टीम है उसका मनोबल देखा, काम करने का जज्बा देखा, जो हमारे नागरिक हैं उनका जज्बा देखा, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, उनको लगा था कि पुलिस और पब्लिक में तो झगड़ा होता है, पर यहाँ पर जब देखे कि फोर्स के रुकने की व्यवस्था, जैसे ही हम जिसको जो मदद मांगते वहाँ वो मदद हो रही थी, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो मतलब उनका हृदय परिवर्तन हो गया और यूपी के बारे में, गोरखपुर के बारे में बोल के गए। मैं ये एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बोल के गए कि साहब हमने जो सोचा था ये एकदम उसका उल्टा निकला, और अगले 5 साल में उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि 5 साल बाद हमको अगर मौका मिलेगा आने का तो हमें लगता है कि ये एकदम ही बदल जाएगा, और यूपी जो है जो विकास जिस तेजी से कर रहा है वो भी उन्होंने देखा, जो नागरिक यहाँ पर हिस्सेदारी कर रहे हैं विकास में वो भी देखा, और ये बात कई चीज़ें हैं जो यहाँ से वो सीख कर गए, उन्होंने यहाँ के फोटोग्राफ्स मांगे मुझसे, कई अभिलेख मांगे कि आप ये चीज़ हमको दीजिए, ये कैसे की है आपने, ये कैसे आप रुकने की व्यवस्था करवाते हैं, ये आप कैसे तय्यब करते हैं लोगों के साथ में, लोग इतना सहयोग क्यों करते हैं, क्या आप इनको देते हैं, मेरे काम कुछ नहीं देते, हम प्रेम देते हैं बस, हमारे पास देने को प्रेम है और लोगों का एक प्रेम है कि वो हमें इतना सहयोग करते हैं, तो ये अपने आप में मिसाल थी, और ये हमारी बात हमारे प्रदेश की, हमारे जो शहर है उसकी छवि सिर्फ ना सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में अलग अलग कोनों में तस्वीर बदली है इस चुनाव से, और इसके लिए सभी आप लोग बधाई के पात्र हैं। आज थाना राजघाट में जनपद गोरखपुर में महिला विश्राम कक्ष का उद्घाटन हुआ है और यह निर्माण करवाया गया है, जिसमें कि जो महिला आगंतुक हैं उनके आराम के लिए और उनके विश्राम के लिए यह कक्ष तैयार किया गया है, जो बच्चे आते हैं उनके महिलाओं के साथ में उनको शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध हो, कहीं विश्राम का कक्ष हो, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है जिसमें कि सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, और यह माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा के अनुरूप जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं और जो समाज के वीकर सेक्शन हैं, जो निर्बल जो लोग हैं समाज के, उनकी व्यवस्था को देखते हुए हमने ये व्यवस्था की है, और इसमें आने वाले दिनों में पुलिस संवेदनशीलता बरतते हुए इस प्रकार के विश्राम कक्ष और भी थानों में बनवाए जाएंगे। इनका निर्माण अभी प्रचलित है वर्तमान में, जहां पर कि जो गांव से आने वाले लोग हैं, आगंतुक हैं, महिलाएं हैं, वो आकर विश्राम कर सकें और निसंकोच होकर अपनी बात कह सकें।